शाहरुख खान की दुआ पर मचा बवाल, फैलाई झूठी अफवाह। 6 फरवरी की शाम सुरों की मलिका के रूप में मशहूर लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले मनोरंजन और राजनीति जगत के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ पहुंचे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शाहरुख और पूजा ने एक साथ दो तरीके से कैसे लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसे देखने के बाद कई लोग शाहरुख खान को बुरा भला कहने लगे तो कई उनका बचाव भी करते नजर आए। दरअसल शाहरुख खान और पूजा दोनों एक साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने मंच पर चढ़े थे। एक तरफ जहां मैनेजर पूजा ददलानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तो वहीं शाहरुख खान ने खड़े होकर दुआ पढ़ी, फिर अपना मास्क नीचे हटाकर झुककर पार्थिव शरीर पर फूंक मारी। लेकिन शाहरुख के इस तरीके पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। कई लोग उसे थूकना समझने लग गए। बता दें कि किंग खान की वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता अरुण यादव ने सवाल किया, क्या इसने थूका? हरियाणा बीजेपी के आईटी एंड सोशल मीडिया हेड अरुण यादव का ये ट्वीट मिनटों में वायरल हो गया और तमाम सेलेब्स ने उन्हें थोड़ा आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। शाहरुख खान के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बहुत से लोग शाहरुख खान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि बहुत से यूजर्स ने इसे गलत बताया है कि शाहरुख ने पार्थिव शरीर पर थूका था। दरअसल शाहरुख ने दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारी थी। इस्लाम में ऐसा बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए दुआ पढ़ने के बाद किया जाता है। इस्लामिक नजरिए से समझे तो दुआ का ये तरीका बड़ा आम है। हमने आपने भी मस्जिदों या दरगाहों पर ऐसे दृश्य देखे होंगे जब कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए मुफ्ती या मौलाना से दुआ करा रहे होते हैं, तो वो दुआ करते हैं और फिर बच्चे के ऊपर फूंक मारते हैं।